अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चिकन आलू फलियाँ। जी हाँ, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो हैं फलियाँ, और वो फलियाँ हम लोग बना रहे हैं चिकन और आलू के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये जो सी आज की रेसिपी तैयार होने वाली है। तो व्यूवर्स, पूछते हैं मम्मा से कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने एक प्याज और तेल डाल दिया है, इसे चूल्हे पे रख देती हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ी सी ना मैं दही डालूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट तो आपको पता ही है। ये तीन मैंने आलू ले लिए हैं, यह आधा किलो फलियाँ हैं, ये मुर्गी थी थोड़ी सी घर में पड़ी, तो एक चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच नमक का। तो इससे ये है कि थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, कीमा फलियाँ भी पक जाती हैं, फलियाँ चिकन भी बन सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो इसमें ट्विस्ट किया वो ये है, चिकन और आलू के साथ हम लोगों ने ये फलियाँ तैयार करी। कई लोग बेटा आलू फलियाँ पकाते हैं, आलू फली वही ना, मतलब कीमे में भी बन जाती हैं, आलू फलियाँ भी बन जाती हैं, चिकन में भी पका लेते हैं। हमें तीनों चीज़ें मिक्स कर ली, तीनों चीज़ों को, मतलब वही ना, हमें ट्विस्ट कर दिया कि हमें दोनों चीज़ों को फलियों के साथ। कई बच्चे चिकन नहीं खाते आलू मतलब खा लेते हैं, कई बच्चे आलू नहीं खाते चिकन खा लेते हैं, फलियाँ साथ खा लेंगे, ऐसे मिक्स है। ठीक है, तो व्यूअर्स हम लोग अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और देखते हैं मज़ेदार से जौन सी फलियाँ आलू चिकन की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हमारी ना रेसिपी आप पूरी देखा करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हौसला अफजाई करें हमारी वीडियो देख के, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें आपने साथ धर्म की सपोर्ट इसी तरह दरकार है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको टाइमली हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लहसुन मैंने डाल दिया, तो हम लोगों ने लाइट सा कलर देने के बाद इसके ऊपर जो है लहसुन शामिल कर दिया है। सारी मिर्ची डाल देते हैं, हम लोगों ने चिकन भी शामिल कर दिया है और लहसुन मिला के पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था और छींटे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने इसको ढक दिया है। चिकन को अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लेना है और प्याज हम लोगों ने लाइट से कलर से किए हैं और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट। लेकिन जो उसके अंदर डिफरेंट बात हुई है वो ये है कि हम लोग चिकन को भी कैसा शामिल करते हैं, मतलब वूमन यही होता है ना कि हम लोग प्याजों को जब कर लेते हैं प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद उसको भूनते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर उसके अंदर चिकन भी शामिल कर दिया और साथ ही हम दोनों चीज़ों को ना मतलब भून लें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मसाले डालते हैं ना। ठीक है, तो इसकी बुनाई के बाद हम लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों से हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है, आप लोगों से शेयर भी किया है कि लोग मतलब काफ़ी तरह से फलियों को बनाते हैं कीमे में सिर्फ आलूओं के साथ या चिकन फलियां, लेकिन हम लोग आज फलियों को आलू और चिकन दोनों चीज़ों के साथ बना रहे हैं। अच्छा जी, साथ में दही भी डाल देती हूं। 3 चम्मच हम लोगों ने व्यूअर्स दही के इसके अंदर शामिल कर दी हैं। उससे पहले सिंपल हम लोगों ने प्याज लिए थे, उसके अंदर हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसके साथ ही हम लोगों के इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया, उसको अच्छी तरह से भून लिया और जब हल्का सा भून आ गया, मतलब देखिए आपका कलर चेंज हो गया गोश्त का, वाइट हो गया, तो हम लोग इसके अंदर 3 चम्मच जो से हम वो दही के शामिल कर दिए ताकि जो मज़ेदार सी हमारी फलियों की रेसिपी है वो तैयार हो जाए। मिर्चे भी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने वो स्पाइसी थी हम लोगों ने 5 मिनट भून लिया ना पहले इसे गोश्त को, तो अब मैंने मसाले भी डाल दिए भून के। ठीक है, तो ये ले जी, हमने इसके अंदर अब नमक मेरे छल्दी अब 5 मिनट भूनेंगे इसे। ठीक है, तो 5 मिनट भूनते हैं और फिर दोबारा आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, हम लोगों ने 5 मिनट चिकन की भुनाई कर ली। चिकन को भूनने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सी मेन इन्ग्रीडियंट जो फलियां हैं वो शामिल कर दी हैं। ये लें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में। तो अब इसको हम पकने के लिए रख दें क्योंकि चिकन अभी हमारा टाइम लेगा, चिकन भी टाइम लेगा ना, जैसे सारी ये चिकन भी हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा भून लेते हैं ना इसे फलियों। अच्छा, तो मैं यहाँ पर मतलब आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अगर हम लोगों ने जस्ट सिंपल इसको चिकन के साथ बनाना हो तो बस इतनी स्टेज पे मतलब फिर आगे उसको गलने के लिए रख दें, क्या मतलब? मतलब
चिकन फली बनाना हो, मतलब चिकन फलियां, हाँ जी, आलू नहीं डालने, आलू नहीं डालने, हाँ तो फिर ऐसे भी हो सकती हाँ, है मतलब, फिर ऐसे भी हाँ, हाँ तो फिर कीमे में भी, कीमे में भी ऐसे ही डालते हैं, हाँ तो मतलब 2-in-1 हो गया ये तो व्यूअर्स आप लोगों के देखने के लिए कि हम लोगों ने आलू भी डाले। लेकिन अगर हम लोग इस स्टेज तक इसके अगर रेसिपी को तैयार करना चाहें तो हम लोग बस केवल चिकन डालें और हम लोग आलू ना डालें। अगर कीमा है तब भी इसी तरह आप लोग कर लें, मतलब पहले आप कीमे को तैयार कर लें और उसके अंदर फिर आप लोग फलियाँ डाल दें। तो अगर आप लोगों ने आलूओं के साथ भी ऐसे मतलब आप हाँ जी पहले मसाले के बाद आलू शामिल कर लें फिर फलियाँ डाल दें। हाँ जी, अगर मोटे आलू है ना मतलब काटे हुए तो आप पहले आलू गला लें थोड़े से, फिर साथ ही फलियाँ डाल दें। ठीक है, तो देख लें एक ही रेसिपी के अंदर हमें कितनी सारी टिप्स मिल गई हैं और एक रेसिपी के अंदर हम लोग कितनी सारी रेसिपीज बनाने का तरीका जान चुके हैं कि हम लोग अगर कीमे के साथ तैयार करें तो वो भी, चिकन के साथ करें तो वो भी, और आलू के साथ तो वो भी। लेकिन आज हम लोग चिकन और आलू दोनों के साथ अपनी फलियों की रेसिपी को बना रहे हैं। हाँ जी, अब ये 2 मिनट ना पका लूँ मैं, पानी डाल के घी निकल आया ना इसका, जी जी, तो मैं ना इसे 2 मिनट ना पानी डाल के ना पका लेती हूँ, फिर आलू डाल देते इसमें। ठीक है, ठीक, तो 2 मिनट इसको पका लेते हैं तो फिर इसके बाद इसके अंदर जो हाँ जी ये ना के गले भी तो सही है, फलियाँ कच्ची थोड़ी रखनी है, ये पानी डाल दिया। मैं अच्छी तरह हिला दी हैं, अब पकने दें इसे, फिर आलू डाल दें इसमें। तो हो गई है तैयार अब हमारी फलियां? नहीं अभी नहीं हुई, अभी मैं ना थोड़े से आलू डालती हूँ इसमें, तो फिर ये 5-10 मिनट और पकेंगे फिर ये तैयार हो जाएंगे, बस ये आलू हो जाएगा साथ। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने चिकन और फलियां तैयार की हैं, उसके बाद जब वो हाफ कुक होगी तो हम लोगों ने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं, तो खुशबू भी अच्छी आ रही माशाल्लाह, दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसको मज़ीद हम लोग पकने के लिए रख रहे हैं ताकि जो आलू हैं वो भी हमारे तैयार हो जाएँ। हाँ जी, ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लें जी व्यूअर्स, इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है और धुआं भी निकल रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मामा ये फाइनल हो चुका है बिल्कुल? ठीक है, तो व्यूअर्स को डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। तो उसको हम लोग अब डिश आउट कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स जो चिकन है वो भी गल गया है, आलू जो से हैं वो भी गल गए हैं, और हम लोगों ने आज आपको जो सिखाया है वो है फलियाँ और आलू चिकन। ठीक है, मतलब फलियों की रेसिपी हमने आपके साथ चिकन और आलू में शेयर की है। तो मेरे कहते हैं व्यूअर्स कि आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर लें। और ये देख लें व्यूअर्स का फाइनल लुक, ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो सी है फलियाँ तैयार हो गई हैं। तो व्यूअर्स आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें कि जो सी आज हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है ये आपको कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।